आपको बता दें कि पूरा मामला जिलाधिकारी कार्यालय बांदा का है, जहां पीड़िता सिया लल्ली पत्नी अवधेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम अंधाव थाना मरका जिला बांदा की निवासनी है, जिसने शिकायती पत्र सौंप कर बताया कि मजदूरी मेहनत करके किसी तरह से बच्चों की परवरिश कर रही हूं। मेरा पति प्रदेश में रहकर मजदूरी कर रहा है। गांव की संजना पत्नी दादू उर्फ शिव प्रताप कौम लोधी है, जो दबंग एक आवारा महिला है और गांव के मनचले लोगों से बहकावे में आकर मेरे छोटे छोटे लड़के जिग्नेश उर्फ जिन्नू उम्र 13 वर्ष व विनायक उम्र 10 वर्ष के विरुद्ध छेड़खानी व बलात्कार से संबंधित झूठी शिकायत करके उत्पीड़न कर रही है। और दिनांक 4 मई 2022 को लगभग 7:30 पर शाम को वह महिला कुछ गांव के दबंग एवं मनचले लोगों के साथ आई और गंदी गंदी गालियां देते हुए घर में घुसकर मारपीट करने लगी और धमकी देने लगी। दिखाते हैं पूरा मामला विस्तार से। कहाँ से आई है? अधा से आए हैं। क्या मामला है तुम्हारा जो कलेक्टर है? वही लड़ाई वड़ाई क्या है, लड़ाई का। कैसी लड़ाई हुई है? वो सर मेरे दरवाजे में कूड़ा फैला दिया है, जब हम उसको कहने गए तो वो आके हमारे घर पे घुस के हमको मारा है। वो लोधी है सर। क्या कारण था मारने का? अरे वही कूड़े का था, और क्या कहते हैं, वो जाके घुस के मारा और लड़कों को बलात्कार लिखाया, चोरी के इंजाम लगाया, उसके बाद फिर बच्चों को नहीं माने हैं सर तो आदमी पे लगा दिया था, आदमी का चालान करवा दिया सर। इनके 76 लगा है। अब बच्चों को 76 लगा है, पति के 76 लगा है सर। हाँ, उसको जांच होना चाहिए सर। आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं सर कि इसको सजा मिलना चाहिए बस। शिवलाल शर्मा, 9 भारत, जिला संवाददाता, बांदा।